अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ स्टिचिंग हैक्स, स्टिचिंग ट्रिक्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक गला डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 6 लूप्स ले लिए हैं और कुछ ये डोरी हुक्स ले ली हैं। इसके साथ हम आज रेड डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। ये जो पट्टी है लेंथ में ऑलमोस्ट 12 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 इंच है। ये 3 लूप्स हैं, 3 लूप्स इस तरफ लगा लेंगे। मेरे चैनल पे आपको स्टिचिंग आइडियाज़, ब्रांडेड ड्रेस और ड्रेस डिज़ाइनिंग, ट्राउज़र डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइंस, इस तरह की सारी डिज़ाइनिंग मिलेगी। आप प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल। जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले 3 लूप्स लग गए, उसके बाद ये हुक लगा रही हूँ ये डोरी पाइपिंग करके। अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी हो तो आप बता सकते हैं, मैं वो भी आपको सिखा दूँगी। अभी ये 3 हुक्स लग गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरी वीडियोस भी विज़िट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक तरफ लग गई हैं, अभी हम उसके ऑपोजिट साइड पे और दूसरी साइड पे लगाने लगे हैं। वो भी सेम इसी तरह से 3 लूप्स लगाएंगे। आप देखिएगा ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। ये ज़रा डिफरेंट न्यू स्टाइल है, आम गलों से ज़रा हटके है। पाइपिंग कॉर्नर बनाने का भी तरीका है मेरे चैनल पे, और पाइपिंग लगाने का तरीका है, लेस को डिफरेंट तरीके से लगाने का तरीका है, और प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। देखिए इसके भी मैंने 3 लूप्स लगा दिए, उसके बाद 3 हुक्स लगा दिए। अभी इसकी फाइनल जो पिक्चर है वो देखिए। अभी इसको अच्छे तरीके से जोड़ने के लिए जो है वो मैंने यूज़ किया है UHU ले लें आप, या ग्लू स्टिक ले लें, या ग्लू ले लें। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर लगा लिया। अब मैंने इसको यूं करके फ़ोल्ड कर दिया, नीट करके फ़ोल्ड कीजिएगा। ये फोल्ड हो गया। अब ये जो लूप्स और हुक्स हैं इनको भी अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करें, इनको अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके तो आयरन कर लें। आयरन करके ये साथ चिपक जाएगा। ये देखें ये पट्टी आराम से तैयार हो गई है। अब ये हमें ऊपर से गले का मार्जिन छोड़ना है, जितना मार्जिन है, यानी हमने बेशेप में गला बनाना है, गोल में बनाना है, जैसा भी बनाना है उसके लिहाज से मार्जिन छोड़ के। तो ये एक लेस है थोड़ी शाइनी, ये मैं इसके साथ रख के अटैच कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। जितना नीट आप लगाएंगे उतना ही ये खूबसूरत लगेगा। यहाँ से कॉर्नर भी फोल्ड इसी तरह कीजिएगा जिस तरह से मैंने किया है। आराम से काम करें तो काम अच्छा भी होता है। और अगर आपको ट्यूलिप की कटिंग या डिज़ाइनिंग चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा भी कोई डिज़ाइनिंग आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा,
इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो ट्यूटोरियल बना के शेयर कर दूँगी। अभी मैंने इसको गला कट करके तो चिपका लिया है और इसको थोड़ा सा पाइपिंग दे रही हूँ, ब्रीक वाली पाइपिंग। आप चाहें तो इसके ऊपर किसी भी तरह का गला बना सकते हैं, चाहे तो इसके दरमियान में बैंड भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मैंने देखा नहीं, बस पाइपिंग लगा दी है। आई होप कि आप लोगों को ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इसकी फाइनल लुक जो है वो देख लें, ये देखें। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर ज़रूर पसंद आया होगा। और ये जो लूप्स हैं और ये जो हुक्स हैं इनके ऊपर हैंड स्टिच के साथ एक एक टांका लगा लें, लाइक एक एक टांका लगाने के साथ ये होगा कि ये बाहर की तरफ नहीं फोल्ड होगा, ये फिक्स हो जाएगा। इसको फिक्स ज़रूर कर लीजिएगा।